हैं प्रेम प्लाजा जो रेलवे रोड पर स्थित है। हम आपको दिखाएंगे अंदर की तस्वीरें कि प्रेम प्लाजा अपनी खासियत के लिए, अपनी खूबसूरती के लिए क्यों जाना जाता है। यहाँ पर अगर आपको अपने घर का, परिवार का कोई शादी का फंक्शन करना है, या आपको जन्मदिन की पार्टी करनी है, या अपने ऑफिस की कोई मीटिंग करनी है, तो आप प्रेम प्लाजा आ सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं प्रेम प्लाजा के अंदर की तस्वीर। जश्न का दिन होता है, खुशियों का अंबार होता है, शादी एक त्योहार होता है। आप अपनी शादी को, अपने किसी फंक्शन को, अपनी किटी पार्टी को, अपने जन्मदिन को बेहद खूबसूरती के साथ मना सकते हैं। आप प्रेम प्लाजा में आ सकते हैं जो रेलवे रोड पर स्थित है। हम इस समय प्रेम प्लाजा में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ, कितनी सुंदरता के साथ इस प्रेम प्लाजा को सजाया गया है। आज यहाँ पर शादी है, और क्योंकि शादी एक यादगार पल होता है जिसमें काफ़ी लोग जुड़ते हैं, काफ़ी परिवार जुड़ते हैं, और आप देख सकते हैं कि फूलों की सजावट, क्योंकि फूलों के बिना शादी अधूरी रहती है, और कितनी खूबसूरती के साथ इस प्रेम प्लाजा को सजाया गया है, खासकर फूलों की खूबसूरती के साथ। जो गेस्ट आए वो भी खुश हैं इस बात से कि फूलों के साथ इसे सजाया गया है। आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई शादी है, कोई जन्मदिन है, कोई फंक्शन है, कोई त्यौहार है जो आप परिवार के साथ मनाना चाहते हैं, तो आप प्रेम प्लाजा आ सकते हैं। शादी होती है तो एक मीठे रिश्ते की शुरुआत होती है। कुछ बाराती होते हैं, कुछ सजदा करने वाले लोग होते हैं, और एक खुशियों से भरा आंगन होता है। आज आंगन प्रेम प्लाजा का है। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ प्रेम प्लाजा को सजाया गया है, और खासकर फूलों की ये जो महक है और जो कॉम्बिनेशन है वाइट, पिंक और लाल कलर के फूलों का, उसे प्रेम प्लाजा पूरी तरह से रंगीन हो उठा है। हमारे साथ प्रेम प्लाजा से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप क्या बताना चाहेंगे, प्रेम प्लाजा किस तरह से आगे बढ़ रहा है और लोग आए तो प्रेम प्लाजा क्यों आए? तो प्रेम प्लाजा में हमने एक नया बिल्कुल कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है, रेजिडेंशियल वेडिंग का। नॉर्मली घर में जब मैरिज होती है तो सब लोग बिजी हो जाते हैं, मैरिज में 2 से 3 दिन लगते हैं, तो जो होस्ट होते हैं वो इतना बिजी होते हैं कि वो एंजॉय कर ही नहीं पाते, तो जो मेमोरीज उनको कैरी करनी चाहिए वो करते नहीं है। तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि अपने प्रेम प्लाजा को आप अपना घर समझिए, 2-3 दिन के लिए सगाई से विदाई तक यहाँ पर रहें और पूरे 3 दिन एंजॉय करें, गेस्ट की तरह एंजॉय करें और अपने गेस्ट को भी पूरा फुल एंजॉयमेंट दें। थैंक यू। मस्ती करना चाहते हैं, शादी क्योंकि एक परिवार को जोड़ता है, 2 परिवारों को जोड़ता है, और उसके बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, क्या कहना बताना चाहेंगे अंकल जी प्रेम प्लाजा आ पाए हैं, यहाँ की खूबसूरती के बारे में? देखिए, ये मेरे विचार से एक बहुत ही खूबसूरत वेन्यू लगा मुझे, क्योंकि हम अक्सर शादी ब्याह में जाते रहते हैं, और कमिंग टू करनाल एंड सीइंग दिस काइंड ऑफ ए फैसिलिटी बहुत अच्छा लगता है, और जो प्रेम प्लाजा वालों ने अच्छा गैदरिंग किया है, रियली वेरी गुड। अच्छा, आप क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि शादी जो होती है वो 2 परिवारों को जोड़ता है, एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है, और कई लम्हे बनते हैं, कई यादें जुड़ती हैं, तो प्रेम प्लाजा आकर आपको कैसा लगा? हमें आके बहुत अच्छा लग रहा है, हम ब्राइड की साइड से आए हैं, तो द डेकोरेशन इज़ वेरी नाइस, लाइटिंग एंड ऑल सब कुछ बहुत अच्छे से किया है, तो वी आर वेरी हैप्पी।
आपको कैसा लगा यहाँ आकर? डेकोरेशन इज रियली गुड एंड वी आई लाइक द पेंटिंग्स स्पेशली द मुगल पेंटिंग्स व्हाट दे हैव पुट बोथ द साइड्स ऑफ द काउंटर. दिस इज समथिंग व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर वेडिंग्स वी हैव सीन एंड द फ्लावर डेकोरेशन इज ऑल्सो वेरी नाइस. बहुत शुक्रिया आपने हमसे बातचीत की. आप देख सकते हैं ये जो पेंटिंग है वो मुगल शासक की है, मुगल जमाने की है और ये जब प्रेम प्लाजा में एंट्री होती है तो इसकी तरफ ध्यान बेहद ज्यादा जाता है, बेहद आकर्षित लगती हुई नजर आती हैं. डेकोरेशन बहुत अच्छा किया है, मजा आया देखकर. प्रेम प्लाजा का माहौल है, लोग खुश हैं. जिन लोगों ने यहाँ पर तैयारी की है, जिन लोगों ने डेकोरेट किया है वो भी खुश हैं क्योंकि डेकोरेट यहाँ पर प्रेम प्लाजा में काफी अच्छे तरीके से किया गया है. आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आपके घर में अगर कोई फंक्शन है, कोई शादी है, कोई जन्मदिन है या आप किसी भी जश्न को अच्छे तरीके से मनाना चाहते हैं तो आप प्रेम प्लाजा आ सकते हैं. करनाल ब्रेकिंग न्यूज के लिए करनाल से हिमांशु नाथ. आपको लेकर पहुंचे हैं करनाल के रेलवे रोड पर स्थित प्रेम प्लाजा होटल में. और अगर प्रेम प्लाजा की बात की जाए जहां काफी सालों से जो है प्रेम प्लाजा काफी अच्छी सर्विसेज जो है अपने सभी कस्टमर्स को देता हुआ है, चाहे रूम सर्विसेज की बात करें, चाहे रेस्टोरेंट की बात करें, चाहे पार्टी हॉल्स की बात करें, सभी चीज़ों में प्रेम प्लाजा ने अपना नाम ज़रूर बनाया है. 7 पार्टी हॉल्स हों, साथ ही साथ लॉन है, रूम्स यहाँ पर हैं, रेस्टोरेंट यहाँ पर अवेलेबल है, यानी कि सभी चीज़ों के लिए एक सिंगल अगर हम लोग लोकेशन की बात करें, डेस्टिनेशन की बात करें तो प्रेम प्लाजा अपने आप में ही फर्स्ट प्रायोरिटी जो है काफ़ी लोगों की ज़रूरत है. वही हम आपको आज यहाँ पर लेकर पहुँचे हैं. लाइव तस्वीरें हम आपको अंदर की दिखा रहे हैं. रिसेप्शन एरिया के आप इस समय लाइव तस्वीरें देख रहे हैं. आप देख सकते हैं किस तरीके से अगर एम्बियंस की बात की जाए तो काफ़ी सूदिंग म्यूजिक के साथ जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छा माहौल जो है वो बनाया गया है. वेटिंग एरिया यहाँ पर बनाया गया है ताकि अगर आप लोग यहाँ पर किसी भी तरह की चाहे इंक्वायरी के लिए आते हैं, बुकिंग्स के लिए आते हैं, रेस्टोरेंट में आपने जाना हो, रूम्स आपने बुक करवाने हो, किसी भी तरह के आपके फंक्शंस हो, चाहे वो मैरिज फंक्शन है, चाहे आपकी बर्थडे पार्टी है, किटी पार्टी है, कोई आपकी कॉर्पोरेट मीटिंग है, सभी तरह के लिए जो है आप लोगों के लिए काफी अच्छा ऑप्शन प्रेम प्लाजा लेकर आने वाला है. और साथ ही साथ इस बार प्रेम प्लाजा होटल जो है वो कुछ नया भी लेकर आए हैं. तो हमारे साथ यहाँ पर जीएम जो है वो मौजूद हैं, जितेंद्र सर. एक बार हम उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ नया इस बार प्रेम प्लाजा लेकर आया है. तो सर आप क्या कुछ हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? कुछ नया एड ऑन बहुत ही जल्द होने वाला है प्रेम प्लाजा में, तो क्या है उसके बारे में क्या जानकारी देना चाहिए? जी मैडम, दो चीजें हैं. एक तो करनाल में अपनी तरह का पहली तरह का रूफ टॉप डाइनिंग लाउंज हम लेके आ रहे हैं. इसका काम ऑलरेडी चल रहा है और बहुत जल्द हम बाय जनवरी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको लॉन्च करेंगे. वहाँ पे स्विमिंग पूल की फैसिलिटी होगी, प्लस ओपन में डाइनिंग का लाउंज होगा. इट विल बी ए मोर ऑफ ए म्यूज़िक काइंड ऑफ लॉन्च बेस्ड लॉन्च डाइनिंग लॉन्च होगा. दूसरा हमने रिसेंटली लॉन्च किया है अपनी तरह का पहली एक करनाल में फर्स्ट टाइम रेजिडेंशियल वेडिंग का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हम गेस्ट को ये ऑफ़र कर रहे हैं कि वो अपने घर से सीधा आएँ और शादी से रिलेटेड जो भी तैयारियाँ हैं, जितनी भी चीज़ें की जरूरत रिक्वायरमेंट है वो सब हम पूरी करके देंगे. यहाँ से आपको सिर्फ अपना बैग पैक करके घर से यहाँ आना है. डाइनिंग, अकोमोडेशन, फूड, मेहंदी, बाजा, जितनी भी सेरेमनीज होती हैं शादी से रिलेटेड, सब कुछ आपको अंडर वन रूफ सब फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी यहाँ पर. वो हम सब कुछ करवा के देंगे उनको, राइट फ्रॉम, हमने इसका नाम भी रखा है सगाई से विदाई तक. तो राइट फ्रॉम, जैसा कि नाम अपने आप में कह रहा है, जैसे ही शादी की फर्स्ट रस्म शुरू होती है उससे लेकर लास्ट तक सब चीज़ों के लिए हम यहाँ उनको प्रिपरेशन करके देंगे. तो जैसा कि आपने देखा, जैसा कि सर ने बताया, सगाई से विदाई तक जो भी आपकी प्रिपरेशंस है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सभी अब आपकी प्रेम प्लाजा होटल में पूरी होने वाली है. यानी कि अब आपको किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. और साथ ही साथ जैसा कि सर ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी साथ ही में करी कि रूफ टॉप जो डाइनिंग लाउंज है वो बहुत जल्द इंट्रोड्यूस करने वाला है प्रेम प्लाजा. तो अपने आप में करनाल के सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर जरूर है, सभी यंगस्टर्स के लिए बहुत बड़ी खबर जरूर है जो लोग रूफ टॉप जाकर डाइनिंग का सोच रहे थे या फिर स्विमिंग पूल के साइड पर एंजॉय करने का सोच रहे थे, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी खबर जरूर रहने वाली. एक बार फिर से सर से मैं कुछ जानना चाहूंगी. सर अगर हम लोग रूम्स की बात करें तो रूम सर्विसेज के बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को?
जी मैम, अभी रिसेंटली हमने इसी ईयर 15 नए रूम्स ऐड किए हैं, तो अब नाउ टोटल इन्वेंट्री इज नाउ 35 रूम्स हैं हमारे पास अब, जिसमें से एक फ्लोर बिल्कुल मॉडर्न फ्लोर है और मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही बनाया गया है, जैसे कि एक बिजनेस ट्रैवलर को या वेडिंग रिलेटेड ट्रैवलर की एक रिक्वायरमेंट होती है, जो भी लेटेस्ट उसमें फैसिलिटीज़ हैं वो सारी अवेलेबल हैं उनके अंदर। सर, अगर हम लोग बैंक्वेट हॉल्स की बात करें तो कितने हॉल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं और उसमें क्या क्या, कितनी गैदरिंग्स जो हैं वो आ सकती है, उसके बारे में जानें। जी मैडम, हमारे पास 20 से लेके 2000 तक की कैपेसिटी है, उसमें 7 टोटल इंडोर हॉल्स हैं, 3 बड़े हॉल्स हैं, 2-4 उसमें लॉन्ज हैं, छोटे पर्सन डाइनिंग के लिए लॉन्जेस हैं जिसमें की कैपेसिटी 20 से लेके 40-45 तक है, बाकी बड़े लॉन्स फिर 100, 150, 200, 250 तक की कैपेसिटी है, प्लस ओपन लॉन्स हम फिर से लॉन्च किया है हमने इस ईयर दोबारा, बीच में कुछ टाइम के लिए बंद था बट अब दोबारा ग्रीन ओपन लॉन्स हैं विच कैन अकोमोडेट फ्रॉम 400 पीपल to 1500 पीपल वेरी इजीली अकोमोडेट्स। तो सर, लोगों को क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आने वाले समय में, अगर उनकी किसी भी तरह के कोई भी फंक्शंस थे तो किस तरीके से आप उनसे अपील करना चाहेंगे प्रेम प्लाजा की फैमिली की तरफ? मैम, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक द पीपल ऑफ करनाल जो इतने सालों से हमें जो उन्होंने पेट्रोनाइज किया है उसके लिए, और आज भी हर घर में नाम प्रेम प्लाजा का जुड़ा है, करनाल का किसी न किसी तरह की मेमोरी जुड़ी है यहाँ पे, और हम चाहेंगे कि आगे इसी प्यार की वजह से ही हम लोग और एक्सपेंड कर रहे हैं, नई नई चीज़ें लाने के लिए हमें वही मोटिवेशन मिलता है लोगों से, और हम इस इसी कड़ी में आगे और बढ़ना चाह रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी रिसेंटली बताया आपको 2-3 चीज़ें हम और नई ऐड करने वाले हैं, तो बस ऐसे ही हमें प्यार मिलता रहे लोगों का और हम लोगों को ऐसे ही सर्विसेज देते रहें। जैसा कि सर ने भी कहा, मैं भी कनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम की तरफ से आप लोगों से अपील यही करना चाहूंगी, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके कि काफ़ी कुछ नए कंसेप्ट जो हैं प्रेम प्लाजा इस बार अपने सभी कस्टमर्स के लिए लेकर आ रहा है। और जैसा कि सर ने सभी डिटेल्स में बताया, 7 इनडोर जो हॉल्स हैं उसके अलावा जो ओपन लॉन है यानी कि 20 से लेकर 2000 तक की गैदरिंग्स के, अगर आपके किसी भी तरह के फंक्शन है, चाहे वो किट्टी पार्टी है, चाहे बर्थडे पार्टीज हैं, चाहे वेडिंग के कोई फंक्शन है, चाहे कॉर्पोरेट मीटिंग्स हैं, सभी तरीकों के लिए जो है आप लोगों के लिए प्रेम प्लाजा काफी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, बैंक्वेट की तस्वीरें, रेस्टोरेंट की तस्वीरें, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तस्वीरों में दिखाया प्रेम प्लाजा होटल जो कि अपने आप में ही सिंगल स्टॉप डेस्टिनेशन रहने वाला है आप लोगों के लिए, अगर किसी भी तरह का फंक्शन आप लोग प्लान कर रहे थे वही हम आपको इस समय लेकर पहुंचे हैं प्रेम प्लाजा के 24 कैरेट रेस्टोरेंट में, उसकी लाइव तस्वीरें हम लोग आपको दिखाएंगे। और साथ ही साथ अपील यही करना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख सकते हैं फाइन डाइनिंग का ये पूरा एरिया प्रेम प्लाजा का 24 कैरेट रेस्टोरेंट, आप देख सकते हैं किस तरीके से, चाहे एम्बियंस की बात की जाए, चाहे सर्विसेज की बात की जाए, सभी जो है यहाँ पर उसका खास ध्यान रखा गया है ताकि आप लोग भी एक अच्छे साउंड के साथ, एक अच्छे एम्बियंस के साथ जो है अपनी फैमिली के साथ आकर यहाँ पर किसी भी तरह का जो मील है वो ले सकते हैं। अगर क्यूजींस की बात करें तो मल्टी क्यूजींस यहाँ पर सर्व किया जाता है, चाहे इंडियन हो, चाइनीज हो, मुगलई क्यूजीन हो, सभी जो है आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और साथ ही साथ अगर प्रिपरेशन की बात करें तो बहुत ही हाइजीनिक तरीके से सभी फ्रेश आइटम्स जो हैं वो आपको यहाँ पर सर्व की जाती है। और अगर क्वालिटी की बात करें, टेस्ट की बात करें, तो वो अपने आप में ही जहाँ प्रेम प्लाजा के रेस्टोरेंट 24 कैरेट ने काफी सालों से अपना नाम बनाया है वही अपना नाम जो है बरकरार करते हुए काफी समय से जो है हालांकि काफी अच्छी सर्विसेज दी हुई है। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों से अपील ही करना चाहूंगी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। करनाल के होटल प्रेम प्लाजा से हम लोग इस समय आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, आगे भी हम लोग आपको और तस्वीरें दिखाएंगे, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। Thank you.
जैसा कि मेरी सहयोगी ने दिखाई आपको तस्वीरें प्रेम प्लाजा की, और प्रेम प्लाजा रेलवे रोड पर स्थित है। आप देख सकते हैं कि ये जो रूम है 35 रूम यहाँ पर हैं और स्पेस काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर लग्जरी रूम है, 5 अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पर रूम हैं, और प्रेम प्लाजा अपनी खासियत के लिए जाना जाता है, अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। हम आपको इस समय प्रेम प्लाजा में जो अलग अलग कैटेगरी के रूम हैं उनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर मैनेजर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या बताना चाहेंगे आप लोगों के लिए, किस किस क्वालिटी के, किस किस कैटेगरी के यहाँ पर रूम। जी, हमारे पास टोटल 35 रूम्स हैं जिसमें 5 अलग अलग कैटेगरीज हैं, राइट फ्रॉम डिलक्स, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव प्रीमियम। तो हर तरह के टेस्ट को ध्यान में रख के रूम्स बनाए गए हैं, चाहे आपकी नीड्स बड़े रूम की है, फैमिली टाइप के रूम की है, कोई आके फैमिली स्पेंड करना चाहता है वक्त थोड़ा या करनाल के बीच में, या मैरिज के पर्पज से स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो वैसे रूम मौजूद हैं। फिलहाल हम एक स्वीट रूम में हैं हमारे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं दिस एम्पल स्पेस और प्राइवेसी भी है विद लिविंग रूम एंड बेडरूम फैसिलिटीज़। तो ऐसे ही हमें ध्यान में रख के नया फ्लोर लॉन्च किया है, उसमें 15 नए रूम ऐड किए हैं हम विद ऑल दी अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज़ एंड अमेनिटीज़। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइवेसी भी है और साथ ही साथ बेडरूम है, ये कंबाइन है पूरी तरह से। 35 रूम यहाँ पर हैं, अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पर रूम हैं, और ये नया फ्लोर है जहाँ पर इस समय हम खड़े हैं। आगे की तस्वीरें भी हम आपको प्रेम प्लाजा की दिखाते रहेंगे।